शब्दों में कांटे नहीं होते साहब, लेकिन जब ये चुभते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहराव आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 21 मई का करंट अफेयर, और बाहर भी अच्छा मौसम है, बादलों की गरजाहट भी आपको सुन सकती है, बारिश हो रही है, तो गर्मी में थोड़ी सी राहत आज आपको मिलेगी। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं हरियाणा के राज्यपाल। इन्होंने जीजेयू यूनिवर्सिटी हिसार में एमबीए में एडमिशन लिया है, एमबीए एचआर में एडमिशन लिया है, ठीक है। दूरवर्ती जो शिक्षा कार्यक्रम है, डिस्टेंस एजुकेशन से इन्होंने एडमिशन लिया है ताकि उसको बढ़ावा दिया जा सके और दूर रहकर भी बच्चे पढ़ सकें और अपनी डिग्रियां प्राप्त कर सकें, ठीक है। पीछे मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो बंडारू दत्तात्रेय ने जो राज्यपाल हैं हरियाणा के, उन्होंने जीजेयू यूनिवर्सिटी में एमबीए एचआर में दाखिला लिया है, ठीक है, दाखिला वहाँ पे लिया है। 11 वर्षीय आस्था भारद्वाज ठीक है, बिहार की यंगेस्ट मून गर्ल बनी है, ठीक है। वहाँ पर चांद पर जमीन ली इसके पेरेंट्स ने और इसके नाम पर रजिस्ट्री की गई है, तो 11 साल की आस्था भारद्वाज यंगेस्ट जो है मून गर्ल बनी है ये बिहार की। तो जैसे इन्होंने लिया था तो वहाँ की मिट्टी इनको दी गई है और रजिस्ट्री वगैरह जो इनकी की गई है वहाँ पर, जैसा भी प्रोसेस है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो 11 साल की है आस्था भारद्वाज, बिहार की है, यंगेस्ट मून गर्ल जो है ये बन गई है, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बनाए गए थे, तो वहाँ पे विधानसभा के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया था, तो जम्मू में 43 सीटें और कश्मीर में 47 विधानसभा की सीट जो हैं वो निर्धारित की गई हैं। 5 सीटें इसमें बड़ी हैं, 1 सीट इसमें बड़ी हैं, टोटल 6 सीटें बड़ी हैं। ये जम्मू में 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47 विधानसभा की सीटें हैं, तो इन पे इलेक्शन होने की संभावना जल्दी ही है, ठीक है। परिसीमन आयोग था जिसने अभी अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें ये बताया गया, लद्दाख की अभी नहीं बताई गई है, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में है, तो जूनागढ़ गुजरात में एक ह्यूमन लाइब्रेरी खोली गई है, ठीक है। लाइब्रेरी ये बनाई गई है, ऐसी पहली लाइब्रेरी है देश की ह्यूमन लाइब्रेरी। यहाँ पे क्या है, लोग अनजान लोगों से बैठ के बात करके अपने दुख सुख बांट सकेंगे, ठीक है। जो अपने मन, क्योंकि आजकल डिप्रेशन की और जो टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उनसे निजात पाने के लिए ये पहली लाइब्रेरी है, ह्यूमन लाइब्रेरी जूनागढ़ में खोली गई है, ताकि अनजान लोगों से बातचीत करके अपने दुख सुख को बाँटा जा सके। यूपी में ई विधानसभा ये देश की सबसे बड़ी विधानसभा है ये, ठीक है। 403 सीटें हैं इसमें विधानसभा में, ठीक है, सबसे बड़ी है। इसमें क्या होगा कि ई विधानसभा बना दी गई। अब जो क्वेश्चन और आंसर के जो जवाब हैं वो टैबलेट के माध्यम से दिए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई भी पेपर नहीं होगा, पेपरलेस ये विधानसभा बनाई गई है, जिसमें यूपी में है ये ई विधानसभा, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार वहाँ के जो हैं सीएम बने हैं, ठीक है भाई, वहाँ के सीएम बने हैं। अभी हाल ही में निधन हुआ है अब्दुल गफार चौधरी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये गीतकार थे, अब्दुल गफार चौधरी गीतकार थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं विनायक पाई को टाटा प्रोजेक्ट का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। जो ये टाटा प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसका टाटा जो प्रोजेक्ट है लिमिटेड, उसका एमडी और सीईओ विनायक पाई को नियुक्त किया गया है। हुनर हाट के
41वें संस्करण का आयोजन आगरा में किया गया। मैंने पहले ही बताया था आगरा में किया गया है, ठीक है। और मुख्तार अब्बास नकवी ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, जो अल्पसंख्या जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं ये, ठीक है। मैडम तुषाद संग्रहालय ठीक है, ये नोएडा में बनाया जा रहा है, नोएडा में, यूपी उत्तर प्रदेश नोएडा में, जो एनसीआर के क्षेत्र में आता है, वहाँ पे मैडम तुषाद संग्रहालय बनाया जा रहा है। और मैडम तुषाद का आपको पता है कि लंदन में बहुत बड़ा वहाँ पे संग्रहालय है, तो अब अपने भारत में मैडम तुषाद संग्रहालय जो है नोएडा में बनाया जाएगा, ठीक है। पहला सरकारी ओटीटी में क्या होती हैं, जो वेब सीरीज या फिल्में आती हैं, तो सरकारी जो ओटीटी है वो केरल सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। ये सरकारी होगा, पहले तो जो गैर सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, ओटीटी चलती थी, तो अब जो है पहला सरकारी ओटीटी जो है वो केरल सरकार ने बनाया है, ठीक है। वहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सिनेमा जगत को पहला ओटीटी जो है केरल सरकार ने बनाया है। शहरी कृषि नीति योजना, शहर में कृषि करने की नीति जो है वो दिल्ली सरकार ने बनाई है, दिल्ली सरकार ने, ठीक है। शहरी कृषि नीति योजना लागू करने की सलाह, लागू करने की योजना जो है वो दिल्ली सरकार ने बनाई है। वे शहरी कृषि की नीति बनाएंगे ताकि वहाँ भी कृषि की जा सके और उसका भी फायदा जो है किसानों को हो सके, ठीक है भाई। क्वाड लीडर्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व ये जापान में आयोजित किया गया था, तो उसमें प्रतिनिधित्व जो किया है भारत का नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। क्वाड लीडर्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व जो है नरेंद्र मोदी ने किया है, ये जापान में आयोजित किया गया था। स्काई रूट ने विक्रम वन रॉकेट चरण का सफल परीक्षण किया है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में स्काई रूट ने विक्रम वन रॉकेट चरण का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। और आज का जो इतिहास है कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या की गई थी, हालांकि उसके हत्यारे को भी पीछे 30 साल सजा काटने के बाद छोड़ दिया गया है। राजीव गांधी की हत्या की गई थी, ठीक है। और इस दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में तब से मनाया जाने लगा। 1991 में आज के दिन राजीव गांधी की हत्या की गई थी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उनकी हत्या की गई थी, ठीक है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते सारे आज हमने पढ़े हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।